क्रिकेट के मैच में शराब पीकर खेलना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा देखा जा चुका है कि कुछ खिलाड़ी शराब पीकर मैदान पर अपना खेल दिखाते हैं। ऐसा ही एक वाक्य हुआ 2006 के मैच में, जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ। ऑस्ट्रेलिया टीम ने साउथ अफ्रीका के सामने 434 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन साउथ अफ्रीका की ओर से हर्षल गिफ्ट ने इस मैच में शराब पीकर बैटिंग की और हर्षल गिफ्ट ने इस मैच में नाबाद 175 रन की पारी खेली, जिसके चलते साउथ अफ्रीका टीम ने यह लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। तो अब एक बार फिर से IPL 2024 में भी ऐसा वाक्य देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनके माध्यम से यह बताया जा रहा है कि ट्रेविस हेड हैदराबाद के लिए शराब पीकर बैटिंग करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में अपन वीडियो में आगे बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर जरूर कर दें। अब अगर ट्रेविस हेड के बारे में अगर बात करें तो ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए सितारे हैं और ट्रेविस हेड के लिए शराब पीकर बैटिंग करना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि IPL में खिलाड़ी को बहुत से टेस्ट लेने के बाद में ही मैदान पे वापसी कराई जाती है। तो हमारे चैनल की तरफ से यह बात पूर्णतः झूठी साबित होती है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें यह बताया जा रहा है कि ट्रेविस हेड शराब पीकर बैटिंग करते हैं। तो इस बात का खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा और अगर ट्रेविस हेड के बारे में ऐसा कुछ पाया गया तो ट्रेविस हेड को IPL से कम 2 साल का बैन लग सकता है और यह घटना IPL को शर्मसार करने वाली घटना हो सकती है। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है, वहाँ तक ट्रेविस हेड का शराब पीकर बैटिंग करना एक नामुमकिन सा काम लगता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने शराब पीकर बैटिंग की है। इनमें ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों का भी नाम आता है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलने वाले जेम्स फॉकनर और एंड्रो साइमंड भी शराब पीकर बैटिंग के लिए जान जाते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को शराब पीकर खेलने की वजह से ही अपनी टीम से बाहर किया गया है। तो अब आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।